SBS News. रामपुर दो सात्विक किस्म के अपराधी गिरफ्तार। बेलती 38 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। बेलती मात्र दो शिकायतों का हुआ निराकरण। बाराबंकी पुलिस ने दरिया बाद क्षेत्र के बगिया वैलरी गांव में मिट्टी का अवैध खनन करा रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संबल चंदोसी आईपीएल क्रिकेट मैच की ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़। स्वर आईपीएल मैच पर सट्टा खेलते 5 युवकों को गिरफ्तार किया। स्वर एग्रीकल्चर स्टोर का फीता काटकर उद्घाटन। संबल खुलेआम ई कचरा जलाए जाने से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। बिलती तहसील के गांव फतेह नगला में बने अम्बेडकर पार्क में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सफाई कराए जाने की मांग की है। बदायूं तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसएसपी संकल्प शर्मा के साथ जन शिकायतों को सुनकर उनको गुणवत्ता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। युवाओं को सफाई कराने, नियमित कूड़ा उठवाने एवं जनपद को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। रामपुर थाना कोतवाली 5 ढोंडा चूर्ण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। संभल घर के बाहर खड़े युवक पर कुछ दमंगों ने अचानक लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। संभल घर के बाहर खेल रहे 2 मासूमों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों मासूम बुरी तरह घायल हो गए। बाराबंकी बिजली कर्मियों की हड़ताल से आम आदमी बुरा हुआ बुरा हाल। बदायूं लावारिस व्रत की जान बचाने के लिए किया रक्तदान। रामपुर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारियों आजनियो कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक सगुन गौतम द्वारा तहसील बिलासपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित उनको उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्वर नगर पंचायत मासबासी में पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी का रहा दौरा। मासबासी नगर अध्यक्ष ने किया जोरदार स्वागत। रामपुर स्ट्री सीटर व महिला सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। पीएम मोदी के 2 दशक का सुशासन का सफर कांटों के ताज से कम नहीं। नवी राहुल और प्रियंका की सक्रियता से बन रहा है विपक्षी एकता का माहौल। राजीव शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कोरोना वायरस से संक्रमित। भारत में फेयरवेल के बाद अब मोदी कैबिनेट के बिस्तर पर टिकी निगाहें, इस वजह से ही हो रही देरी। महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए मुकेश सायनी, भाजपा ने 11 सीओ देने का किया ऐलान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तादाद 88,000 के पार, अब तक 757 मरीजों की हुई मौत। मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई सौवी की याचिका खारिज।